की हर शिला में भगवान नहीं होते, मिट्टी के घरों में भी आसान नहीं होते। और डॉक्टर हरि ओम कहते हैं कि रातों की स्याही में खेतों में गड़े धोखे वो इंसान से लगते हैं पर इंसान नहीं होता। कहा कुछ जा रहा है, सुना कुछ जा रहा है, यही विसंगति है। हमको न चीन से डर है, न पाकिस्तान से डर है, हमको किसी से डर नहीं है। और अगर डर होता तो इकबाल साहब कहते ना कि कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियां रहा है दुश्मन, दौरे जहां हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। यहां आदमी से आदमी को प्यार बहुत है, दिलवाले बहुत हैं, यहां दिलदार बहुत हैं, लेकिन हमारी असली उन्नति नहीं होती क्योंकि हमारे बीच में गद्दार बहुत हैं। हम अपने बीच के गद्दारों से हार गए, बाकी मामला जितना चल रहा है सब कुछ सही। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए। देखिए रात में वही आएगा और ईमानदारी से बैठ के कविता सुनेगा जिसे अपने पड़ोसियों पर भरोसा होगा। हालांकि आप लोग बहुत भरोसेमंद हैं, ये तमाम कवि, इसमें शंकर भाई भी कई बार आए और दादा तो जो बीच में बैठे हैं एकदम डेरा प्रमुख की तरह, तो अध्यक्ष एक बार हम चाहते हैं दादा के नाम पे जोरदार तालियां हो जाए आपके बीच से। देखिए फागुन का मौसम है, ताली वाली बजाते रहोगे बात अच्छी बनेगी, लेकिन ईमानदारी से कह रहा हूं कि भीख मांगे जो अदाकारी से, बच के रहना तुम उस भिखारी से। भीख मांगे जो अदाकारी से, बच के रहना तुम उस भिखारी से, और आंख में गर बसा सोने का हिरन, फिर तो धोखा है ब्रह्मचारी से, फिर तो धोखा है ब्रह्मचारी से। कविता अपने अनंत रंग लेकर के आज मंच पर विराजमान है। मैं बड़े असमंजस में हूं, कहां से उठाऊं, किसको उठाऊं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके पहले कि आपको गीतों के समुन्द्र से जोड़ूं, गहराइयों से आप लोग उन गीतों को सुन करके पहली बार 40 साल में आपको अनुभव होगा कि एक असली गीत मंच पर 40 साल आते आते 40 साल का वक्त लग गया। लेकिन इसके पहले कि मैं श्रद्धेय लोकेश जी को आमंत्रित करूं, मुझे लगता है कि मैं गांव की बोली से आपको जोड़ दूं। ये गांव की बोली, आप लोग गांव में ही रहते हो, कांस कुसा से भरल डगरिया, चलो बचा के पांव रे, माटी ऊपरा छानी छप्पर है हमरो गांव रे, या कुइया के शीतल पानी पिपरा के छांव रे, अइहो बटोही सबेरे मोरे गांव रे। लेकिन वो गांव बदला है, कल का बादल भी आज बदला है, जमाने का मिजाज बदला है, और चंद्र वरदाइयों की बात यहां कौन सुने जहां खुद पृथ्वीराज बदला है। बदलते इस दौर में न वो पनघट, न वो घूंघट, न वो पालकी, न वो बाबा, न वो चौपाल, न वो हुक्का। और ईमानदारी से कहता हूं, बसंत लगता था तभी से शुरू हो जाता था कि अरे गोल रही आई मटर लई आया बाबा, गोल रही आई मटर लई आया, अरे मिली पी सही ननद भौ जइया बाबा हो गोल रही आई। सारा आलोक समाप्त हो गया। कभी बैसवारा गाया जाता था कि अरे बेमनवा जदुआ डाला रे हमारी कोहड़ौरी में, कि होते सबेरे गयू बादशाहपुर, अरे लैयायू गरम मसाला रे, और सासु ननद मिली खोटई बैठी होई गगड़ा बड़ा झाला रे हमारी। ये लोक रंग है हमारी माटी का, हमारी परिपाटी का, गांव की बोली का। वो रचनाकार देश और देश के बाहर भी अवधि का प्रतिनिधित्व करता है। मुझे नाज है प्रतापगढ़ से हम सबके बीच डॉक्टर नागेंद्र अनुज
अपनी कविता के साथ इसके पहले कि वो माइक तक आए, उनके सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं। नागेंद्र।